लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय बचा हुआ है और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव से पहले यानी आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इसमें बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दलों के विधायकों को भी जगह दी जा सकती है। आपको बता दें, हाल ही में इंडिया ब्लॉक छोड़कर एनडीए में शामिल हुई पार्टी आरएलडी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाम को लखनऊ लौट रही हैं, जिसके बाद राजभवन में शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि इस कैबिनेट विस्तार में सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान और आरएलडी के एक या दो विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी की ओर से 2 नाम होंगे, जिनमें बीजेपी एमएलसी दारा सिंह चौहान और रामपुर उपचुनाव में आजम खान को हराने वाले आकाश सक्सेना का नाम शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल से प्रदीप चौधरी या फिर चंदन चौधरी और राजपाल बलियान को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। बता दें, कैबिनेट विस्तार के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और सरकार के अन्य मंत्री मौजूद रहेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले साल जुलाई में सुबह सपा की एनडीए और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की बीजेपी में वापसी के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें, सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर काफी समय पहले एनडीए में शामिल हो गए थे, वो बीजेपी आला कमान से भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें यूपी सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर वो कई बार खुलकर नाराजगी भी जता चुके हैं। ऐसे में अब सूत्रों का कहना है कि इस कैबिनेट विस्तार में सपा सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वैसे तो लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार होने के आसार थे, लेकिन वहीं जब बीते शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में भाजपा की केंद्र चुनाव समिति की बैठक से लखनऊ वापस लौटकर राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भेंट की, तो उसके बाद से ही ऐसा माना जा रहा था कि 10 से 15 मार्च से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।